नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अल्फा यानी कि एंगल ग्राइंडर की फील्ड किस तरह से चेंज करते हैं। दोस्तों इसकी जो फील्ड है यह है डेड हो चुकी, यह फील्ड है जो कि स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ से, यानी कि हमारी जो फील्ड है जल चुकी है यह फील्ड। इसमें हम न्यू फील्ड डालेंगे, जो कि इसकी जो फील्ड है वह चेंज कैसे करते हैं आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले थोड़ा रोटर के बारे में और ग्राइंडर के बारे में जान लेते हैं। यह अल्फा कंपनी का ग्राइंडर है। यह 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज और 670 वाट का है और इसके आरपीएम है जो 11,000 पर मिनट इसके आरपीएम है। तो दोस्तों इसकी यह रोटर है जो कि बीच वाला पार्ट होता है, यह फील्ड के अंदर डला होता है और इस तरह से यह बीच में घूमता है। यहाँ पर हमारी कारण बस होती हैं, इस तरह से यह बैरिंग है। तो इसे इस तरह से न्यू फील्ड को फिट करते हैं। अब इसके यह है हमारी न्यू फील्ड है जो कि मैंने मार्केट से परचेस की है। इसकी बाइंडिंग भी हो जाती है, बल्कि इसकी बाइंडिंग नहीं की है और इसे मैंने नई फील्ड ही डाल रहे हैं। इसमें टोटल 4 वायर होंगे हमारे, 2 मेन सप्लाई के लिए वायर जाएंगे और 2 जाएंगे हमारे कार्बन उसके लिए। ये छोटे वाले और जो इसमें तांबे की पत्ती लगी हुई है यह हमारी कार्बन उसके लिए वायर जाएंगे। इसमें जो सिल्वर वाली पत्ती लगी हुई है, अब ए वाली, इसमें यह हमारे मेन लाइन के लिए वायर जाएंगे। तो इसकी फिटिंग है जो इस तरह से करेंगे। सबसे पहले इसे इस तरह से वायर डालेंगे कि जो साइड हमारी कार्बन साइड की पत्ती है उस साइड हमारे यह वायर आएंगे और जो साइड यह हमारी मेन सप्लाई की वायर यहाँ से यहाँ पर अटैच होंगे दोनों साइड। इस तरह से यह हमारी मेन सप्लाई की वायर है जो कि लीड से अटैच वायर है। तो इसे फील्ड को इंस्टॉल कर देते हैं आराम से, रोटर को रखते हैं साइड में, फील्ड को इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों वायर इस तरह से वायर बाहर निकाल लेंगे। दोस्त आप देख सकते हैं यह सिल्वर वायर है जो कि सिल्वर वाली पत्ती लगी हुई है, तो यह तांबे वाली पत्ती लगी हुई है, कार्बन पत्ती है। तो यहाँ पर कार्बन बस चली है हमारी और यह हमारी मेन सप्लाई के लिए जाएंगे। इस तरह से इस फील्ड को इस तरह से रखने के बाद नीचे की ओर प्रेस करेंगे थोड़ा। तो दोस्तों इसे नीचे की ओर प्रेस करेंगे और आराम से यह वायर है जो बाहर की ओर खींचते जाएंगे, इसे प्रेस करते जाएंगे इस तरह से। तो दोस्तों यह हमारी जो फील्ड है, तो दोस्तों हमारी फील्ड है जो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसके जो वायर कनेक्शन है आप समझ लेते हैं। यह हमारा जो वायर है यह हमारा कार्बन पत्ती पर लगेगा जो कि कार्बन बस के लिए है। इस तरह से यह वायर जिसमें इंस्टॉल हो जाएगा, इस वाली पत्ती को हम कार्बन वाली पत्ती पर लगाएंगे। तो दोस्तों इस जो हमारा वायर है इस तरह से अच्छी तरह से फिटिंग बनाते हुए इसकी वायर को हम कार्बन पत्ती पर लगा देंगे। यह हमारा वायर है जो मेन सप्लाई के लिए जाएगा, जो यहाँ से होते हुए इस वाले किसी भी एक पिन पर लगा देंगे। यह लग चुका है, इस वायर को आप साइड में रखते जाएंगे। इस वाली वायर को भी हम इसी मेन सप्लाई वाली वायर पर लगाएंगे। इस तरह से यह वायर है, इसे हम थोड़ा अच्छी फिनिशिंग दे देंगे, थोड़ा इधर उधर ना हुआ है। बचा हुआ एक वायर हम कार्बन उसकी पत्ती पर लगाएंगे। इस तरह से तो हमारे जो टोटल वायर है यह कम्प्लीटली लग चुके हैं। अब बचा हुआ हमारा यह रोडर, इसमें हम यहाँ पर एक प्लास्टिक का फाइबर वाला बैरिंग होता है उसे लगा लेते हैं। पहले रोटर के बैक साइड वाले बैरिंग पर यह हमारा प्लास्टिक का कवर होता है जो कि वाशर होता है, इसे हम लगाएंगे और रोटर को फील्ड के अंदर यानी कि इस बॉडी के अंदर फिक्स कर देंगे। अब देख सकते यह हमारा वाशर है जो फिक्स आराम से हो जाएगा, थोड़ा प्रेस करेंगे तो यह हमारा फिक्स हो जाता है इस तरह से। तो हमारा जो फिट रोटर फिट हो चुका है। अब यह गेयर बॉक्स है, इसे भी हम उसी तरह से फिट करेंगे, अच्छी सफाई से फिट कर देंगे। तो दोस्तों यह गियर बॉक्स है जो कम्प्लीटली लग चुका है। इसके जो स्क्रू हैं इसे जल्दी से फंसा देते हैं।
तो दोस्तों हमारा गेयर बॉक्स भी कंप्लीट लग चुका है, बची हुई कार्बन पत्ती को। यह हमारी कार्बन बॉक्स है, इसे कार्बन उसको हम इस तरह से लगाएंगे, कार्बन उसको इस तरह से डालेंगे। यह ब्लैक पत्ती है, ब्लैक पत्ती को टेस्टर की सहायता से उठाएंगे और उसके ऊपर जस्ट ऊपर कार्बन उसके ऊपर लगा लेंगे इस तरह से, जिस कारण यह कारम घूरेगी उसी तरह यह प्रेस नीचे की ओर करती जाएगी और यह कारम उसकी जो पत्ती है ऐसे हम इस वाली पिन में लगा देंगे, इस वाली पिन में लगा देंगे। इस तरह से दोस्तों आप कारम उसको इंस्टॉल कर देते हैं, दोनों साइड की कारम उसको इंस्टॉल करते हैं। यह हमारी बैक साइड की कारम उसे भी हम इंस्टॉल कर देते हैं। इस पत्ती को हम उसी तरह जिस तरह पहली बार हम उसकी लगाई थी उसे लगा देंगे। तो दोस्तों हमारे जो कारण उसे कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है, इसका जो वेबसाइट का कैप्टन से लगाकर इसको टेस्टिंग कर लेते हैं।